नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। ये सामाजिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए हमने ये वीडियो बनाया है। आप इस वीडियो को, मेरा रिक्वेस्ट है कि पूरा देखिएगा। दरअसल एक मामला हुआ झारखंड के शहर रांची में। उस घटना ने मुझे बहुत प्रभावित किया और मुझे लगा कि इस घटना को पूरी दुनिया में बताना चाहिए। हालांकि बहुत सारे लोग जो न्यूज़ देखते हैं वो तो जान ही गए होंगे, फिर भी आप हमारे व्यूवर्स हैं, दर्शक हैं, तो ये हमारी जिम्मेदारी है आप तक वो सूचना पहुंचाएं, क्योंकि उसने हमें बहुत प्रभावित किया। अब मुझे लगता है कि समाज को वो बहुत प्रभावित करेगा। यह मामला क्या है? मामला है झारखंड के रांची शहर का। उसमें एक प्रेम गुप्ता नाम के व्यक्ति थे, उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था साक्षी गुप्ता। उसकी उन्होंने शादी किया रांची शहर में ही एक व्यक्ति से। शादी जब किया तो हुआ क्या कि साक्षी गुप्ता जब जाती है ससुराल में तो वहाँ उसको पता चलता है कि जो उसका पति है वो पहले से ही शादीशुदा है। इसका मतलब वो अपराधी है। लेकिन साक्षी गुप्ता ने इसको एक विष की घूंट की तरह पी लिया और स्वीकार कर लिया कि जो मेरी किस्मत में था वो हुआ। लेकिन हुआ क्या कि वो लोग इसको टार्चर भी करने लगे, अनावश्यक परेशान भी करने लगे, और जब हद हो गई तब इसने अपने घर पे सूचना दिया अपने पिता को, प्रेम गुप्ता को, और सारी बात बताई कि हमारे पति पहले से ही शादीशुदा थे और मुझे यहाँ पे कोई सम्मान नहीं मिलता है, बेकार है मेरा यहाँ पे रहना, मैं खुदकुशी कर लूँगी अगर मैं यहाँ कुछ दिन और टिकूँगी तो। पिताजी को बड़ा ख़राब लगा और पिताजी ने एक निर्णय लिया। जो पिताजी ने निर्णय लिया वो अभी तक मेरी नज़र में, जहाँ तक मैं जानता हूँ, पूरे भारत की ये पहली घटना होगी। पिताजी ने क्या निर्णय लिया? पिताजी ने एक बैंड बाजा और बारात का व्यवस्था किया, कई लोगों को इन्वाइट किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से एक व्यक्ति अपनी पत्नी को बुलाने जाता है जब, तो बारात लेकर जाता है नाचते गाते और दुल्हन को लेकर आता है, ठीक उसी तरह से हम नाचते गाते चलेंगे और ससुराल से अपनी बेटी को वापस घर लेकर आएंगे। ये निर्णय लिया और बिल्कुल ठीक उसी तरह से आप देख रहे होंगे गाते बाजे के साथ बारात लेकर ससुराल जाता है बेटी के और साथ में वापस खुशी खुशी लेकर आते हैं। प्रेम गुप्ता से जब मीडिया वाले पूछते हैं कि ये आपके मन में ये कैसे आया, आपने ये क्यों किया ऐसा, तो उन्होंने कहा देखो, एक बाप अपनी बेटी का जहाँ विवाह करता है बहुत धूमधाम से करता है, उसकी इच्छा होती है कि हमारी बेटी जहाँ जाए वो खुशहाल रहे, आनंदित रहे, अच्छा जीवन जिए। लेकिन कई बार चुनाव गलत हो जाता है। अगर पति गलत मिल गया, परिवार गलत मिल गया, तो वो कब तक बिटिया झेलेगी? तो जिस प्रकार से हंसी खुशी उसको विदा किया गया है, उसी तरह से व्यक्ति को उसके ससुराल से हंसी खुशी वापस बुला लेना चाहिए, क्योंकि बेटी अनमोल होती है। ये उस बाप का वाक्य था। अब देखिए हम जो आपको बताना चाह रहे हैं, जो इस पर रिसर्च हुआ है वो क्या है। विक फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी एक अमेरिका की यूनिवर्सिटी है, इसमें बहुत गहरे लेवल पर एक रिसर्च हुआ। उसमें एक प्रोफेसर थी लिंडा नेल्सन, जो उस रिसर्च की अगुआ थी, अध्यक्ष थी। इन्होंने कुछ बातें बताई लड़कियों के लिए कि एक जो बेटी होती है वो किस प्रकार से अपने जीवन में सफल होती है और कैसे वो असफल हो जाती है, उसकी सफलता में मुख्य कारक क्या होता है, वो मुख्य कारक हमें जानना है, बहुत जरूरी है। इन्होंने, लिंडा मिल्सन ने 3M का फार्मूला दिया। 3M, ये 3M क्या है? देखिए, जो इन्होंने 3M का फार्मूला दिया, बहुत बेहतरीन फार्मूला है और इसको पूरी दुनिया एक्सेप्ट करने वाली है, करना भी चाहिए। 3M के फार्मूला में पहला है मनी। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, वीडियो को बने रहिएगा, जाइएगा मत। मनी, दूसरा है मैन, और तीसरा है मेंटल हेल्थ। मनी, मैन, मेंटल हेल्थ, ये 3M का फार्मूला दिया। क्या कहा इन्होंने? इन्होंने विस्तार में बताया कि देखिए, जब बेटी पैदा होती है तो उसका सबसे अच्छा संबंध पिता से होता है, माँ से भी होता है, माँ तो ज़्यादा सेवा करती है इसलिए माता से तो रहता ही है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे वो अपने सेंस में आती है, थोड़ा सा उसका रिश्ता गहरा होता है अपने पिता से, पिता का भी रिश्ता गहरा होता है बेटी से। एक बेटी के लिए उसका पिता पहला सुपर हीरो होता है, पहला उसका प्रेमी होता है एक तरह से, पिता सबसे ज़्यादा वो पिता से प्रेम करती है, पिता भी बेटी से प्रेम करता है। और अगर ये रिश्ता
लंबे समय तक बना रहे। होता क्या है कि जैसे जैसे बेटी बड़ी होती है वैसे वैसे पिता लोग उससे दूरी बनाने लगते हैं। ये सामाजिक बंधन है इसका कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि बेटी जैसे ही जैसे बड़ी होने लगे पिता का उससे रिश्ता ही खत्म हो जाए। और यही होता है, जैसे जैसे बेटी बड़ी होगी पिता उससे दूर होता चला जाएगा। और बेटी भटक न जाए, गलत कदम न उठा ले, इसलिए उस पर बहुत ही नज़र रखता है। और एक मतलब बेटे के ऊपर नज़र नहीं रखेगा उतना, लेकिन बेटी को एक गुलाम दास इस तरह के भाव से उसको देखता है। और बेटी भी पिता से फिर उसी भाव में आ जाती है और धीरे धीरे उनके बीच में दूरियां बढ़ने लगती हैं। और जितनी ही लंबी दूरी हो जाती है वो बेटी इस समाज का अध्ययन कर ही नहीं पाती। लेकिन अगर ये दूरी न बने, दूरी मेंटेन रहे लंबे समय तक, जब तक वो पढ़ रही है, जब तक अपने खूब सेंस में आ गई है, तब तक अगर संबंध बना रहे, तो ये 3M का फार्मूला काम करता है। इसमें होता क्या है कि वो बेटी बड़ी होकर के अच्छा पैसा कमाएगी, मतलब उसका करियर बहुत अच्छा हो, क्योंकि वो अपने पिता से इस समाज के बारे में बहुत कुछ सीख चुकी होगी, क्योंकि पिता उसकी नज़र में सबसे बड़ा आदर्श व्यक्ति होता है। तो पिता को भी आदर्शवान रहना चाहिए और पिता ही उसको सब कुछ सिखा देता है, इसलिए वो अपने करियर का चुनाव करने में बहुत सफल होती है। ये रिसर्च में बात, लाखों लोगों पर रिसर्च किया गया उसके बाद ये नतीजा दिया गया है 3M, ये हवा हवाई बात नहीं है। दूसरी चीज मैन, यानी वो करियर तो अच्छा बना ले ही लेती है, उसके बाद वो अच्छा पति का भी सिलेक्शन कर पाती है, चुनाव कर पाती है, वो अपने पति का, अपने जीवन साथी का अच्छा चुनाव कर पाती है, उसका सिलेक्शन बहुत अच्छा होता है, यानी उसको अच्छा पति भी मिल जाता है। और तीसरा, मेंटल हेल्थ उसका बहुत अच्छा रहता है, स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है, टेंशन मुक्त रहती है, बहुत फ्रैंक माइंड की रहती है। तो ये 3M का फार्मूला काम करता है, कब? जब एक पिता और बेटी का गहरा रिश्ता होता है लंबे समय तक, तब ये 3M का फार्मूला काम करता है। लेकिन हमारे समाज में होता इसका उल्टा है, बेटी जब तक छोटी है तब तक पिता का संबंध है, जैसे जैसे बेटी बड़ी होती है पिता उससे दूर होने लगते हैं। ठीक है, अब देखिए, एक है रिलेशन काउंसलर हैं डॉक्टर अंजलि। डॉक्टर अंजलि ने एक सुझाव दिया, इन्होंने भी बहुत गहरा रिसर्च किया इस पर, इसी चीज़ को देख करके इन्होंने कुछ बातें बताई कि एक पिता और एक बेटी के बीच रिश्ता कैसा होना चाहिए। डॉक्टर अंजलि कहती हैं कि जो एक बेटी होती है उसके लिए उसके पिता एक आदर्शवादी पुरुष होते हैं। आदर्शवादी यानी कि सबसे अच्छा इंसान एक बेटी की नज़र में उसका पिता होता है। और बेटी पहली बार पिता की नज़र से दुनिया देखती है। पिता की नज़र से, ध्यान रखिएगा, पिता की नज़र से दुनिया देखती है। मुझे एक फिल्म याद आ गई, फिल्म का नाम है क्या यही प्यार है। अमीषा पटेल और आफ्ताब शिवदासनी की फिल्म है, बहुत अच्छी फिल्म है। अगर आप लोग युवा हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस फिल्म को अगर नहीं देखे होंगे तो जरूर देखिएगा, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे। क्या यही प्यार है, उसमें बहुत अच्छी बातें बताई गई हैं, दिखाई गई हैं। लव इज नॉट हार्ट ऑफ लाइफ, इट इज़ ओनली पार्ट ऑफ लाइफ। प्यार जीवन का हृदय नहीं है, प्यार जीवन का एक अंग है, यानी हम उसके बिना कुछ अधूरे रहेंगे लेकिन हमारा जीवन चलता रहेगा। ये इस थीम पर बनी है वो फिल्म। इसके अलावा इस चीज़ को भी बहुत ध्यान अच्छे से दिखाया गया है कि अमीषा पटेल के जो पिता थे वो बहुत ही, अमीषा पटेल की नज़र में बहुत ही खूंखार व्यक्ति थे, दुष्ट थे, बिल्कुल भी आदर्शवादी नहीं थे। और इसका प्रभाव अमीषा पटेल पर ऐसा पड़ा, मतलब हीरोइन पर ऐसा पड़ा कि उसने ठान लिया था कि मैं विवाह ही नहीं करूँगी, क्योंकि सारे मर्द मेरे पिता जैसे ही होंगे, जैसे मेरी माता का जीवन खराब हुआ है ऐसे ही मेरा भी जीवन खराब होगा। वो सारे मर्दों को अपने पिता की ही नज़र से देखती थी, क्योंकि मैं बताया ना 3M के फार्मूला काम करता है। और इसमें बेटी और बाप का रिश्ता बहुत गहरा होता है और पिता की ही नज़र से बेटी दुनिया देखती है, तो जैसा पिता होगा उसी भाव से वो दुनिया को देखेगी, दुनिया को पहचानेगी। तो इस फिल्म में यही चीज़ दिखाया गया है। तो आदर्शवादी होना चाहिए पिता को, क्योंकि पिता की ही नज़र से वो दुनिया देखती है। और तीसरी बात, वो सुपर हीरो होता है, सुपर हीरो, सबसे बड़ा हीरो होता है उसका पिता एक बेटी के लिए। अब देखिए,
ये सारी चीजें तो हैं। अब एक प्रश्न उठता है कि आखिर इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। इस पर इन्होंने सुझाव दिया कि एक पिता को अपनी बेटी के साथ किस तरह से बिहेव करना चाहिए ताकि एक बेटी इस 3M के फार्मूले पर पूरी तरह से सफल उतरे। वो बताते हैं कि बेटी को बात बात में डांटना नहीं चाहिए, उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, क्योंकि प्रायः जब बेटी बड़ी होती है ना, खासकर अपने हिंदुस्तान की बेटियां जब बड़ी होती हैं, तो उनके मन में सबसे पहले एक बात आती है, वो ये बात आती है याद कि कम से कम मेरे लिए तो मेरे इस परिवार में कोई नहीं प्रेयर किया होगा, मतलब मैं इस दुनिया में आऊं ये मेरे परिवार में कोई नहीं चाहा होगा, मैं इनके खिलाफ आ गई हूं, क्योंकि सब लोग चाह रहे थे बेटा, मैं हूं बेटी। कोई खुशनसीब लड़की होगी जो शायद उसके लिए सपना देखा गया हो, उसके लिए इच्छा रखी गई हो, किसी के यहाँ 4-5 बेटे हो जाए तो फिर बेटी की इच्छा रखी जाती है, वो सही बात है, लेकिन प्रायः ये देखा जाता है कि परिवार में बच्चों की चाह, मतलब बेटों की चाह रखते हैं लोग। तो जब बेटी बड़ी होती है तो उसको पहली बात समझ में आती है कि मैं किसी के दुआओं की परिणाम नहीं हूँ, दुआओं के परिणाम के खिलाफ हूँ। इसलिए उसको कोई भी कुछ भी कहता है उसको बहुत बुरा लगता है, उसके दिल पर बहुत चोट लगती है, क्योंकि वो पहले ही अपने आप को तिरस्कृत भाव से अपने परिवार को देखती है। इसलिए पिता को ध्यान रखना चाहिए कि अपनी बेटी को कभी भी बात बात में डांटे ना, बल्कि उसकी प्रशंसा करें, छोटी छोटी चीज की उसकी प्रशंसा करें, इससे उसके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। इसके साथ ही उसके साथ ही फिल्म देखें, ध्यान रखिएगा, उसके साथ फिल्म देखें, या अब फिल्म साथ में देखने का मतलब पारिवारिक फिल्म होगी, अच्छी मोटिवेटेड मोटिवेशनल फिल्म होगी, करियर में आगे हम कैसे बढ़ें इस थीम पर आधारित फिल्म होगी, तो साथ में फिल्म देखें, साथ में व्यायाम करें, साथ में खाना खाएं, साथ में खेलें, ये होता है। और माँ को मीडिएटर ना बनाएं, माँ को मीडिएटर यानी कुछ भी अगर कहना है तो डायरेक्ट बेटी से कहें और बेटी भी डायरेक्ट पिता से कहे। थर्ड इसमें प्रायः 99% में क्या होता है कि माँ मीडिएटर होती हैं, बेटी को कुछ चाहिए पिता से नहीं कह पाएंगे, माँ से कहेंगे। पिता को भी कुछ कहना है बेटी से तो डायरेक्ट नहीं कहेंगे, माँ से कहेंगे। तो पिता और बेटी का रिश्ता यहाँ पे क्या होता है, दूर हो जाता है, एक दूसरे में गैप हो जाता है। तो ये गैप ना हो इसलिए हमेशा डायरेक्टली जो भी कहना है वो कहें, मीडिएटर ना बनाएं माँ। और बेटी से हर टॉपिक पर बात करें, हर टॉपिक पर यानी हर विषय पर बात करें, हर टॉपिक पर, कोई भी टॉपिक ना छोड़ें, ध्यान रखिएगा। मैं एक कोई नाटक था वो देखा, मुझे लगा कि ये नाटक पूरे भारत के लोगों को दिखाना चाहिए, हालांकि जानते सब हैं, लेकिन होता क्या ना कुछ लोग उसको उजागर नहीं करना चाहते हैं, छिपा के रखने हैं, बात भी करने में डरते हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, आप समझिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। मान लीजिए हमारी बेटी है, आपकी किसी की बेटी है, मान लीजिए वो भटक गई, गलत राह पे चली गई, ठीक, क्योंकि उम्र ऐसी होती है 12 साल के बाद इतने हार्मोन्स एक्टिव होते हैं कि परिणाम उसका कुछ गलत होना ही है। मान लीजिए वो भटक गई और हमारा उससे संबंध है नहीं, मतलब पिता का बेटी से संबंध है नहीं, जो भी कहना है माँ से कहती है, हम भी उससे माँ से उसके पास मैसेज पहुँचाते हैं। अब हम उस पर कड़ा शासन भी रख रहे हैं, यानी वो हमसे बहुत डरती भी है, उसको ये भी डर है कि अगर मैं कोई भी गलत काम कर दूंगी तो मेरे पिता मुझे डांटेंगे, मारेंगे, मुझे छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि पिता मेरे बहुत ही खूंखार हैं, उसको ये भी पता है। अब अचानक बेटी क्या हुई, मान लीजिए बेटी किसी होटल में पकड़ी गई, ये उसमें दिखाया गया था, मैं बहुत आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ, बेटी होटल में पकड़ी गई अपने बॉयफ्रेंड के साथ, मान लीजिए अब क्या होगा, वहां पर कौन पकड़ा, पुलिस वाले पकड़े या कोई और? तो पुलिस वाले पकड़े तो क्या कहेंगे, सीधा कहेंगे कि अपने पिताजी का नंबर दो, सीधा हम फोन करेंगे, तुम यहाँ क्यों आई हो? तो बेटी इतना डरी हुई है पिता से, वो पिता का कभी नंबर नहीं देगी, उसको पता है कि जब मेरे पिताजी जान जाएंगे तो मुझे बहुत ही भला बुरा कहेंगे, मैं उनकी नज़र से वैसे भी गिरी हुई हूँ और गिर जाऊँगी, मतलब मेरा जीना ही बेकार हो जाएगा, मैं उनके सामने कभी खड़ी नहीं हो पाऊंगी, ये ठीक नहीं है, तो अपने पिता का नंबर नहीं देगी।
और इस स्थिति में वो पुलिस वाला या कोई भी व्यक्ति उसके साथ बहुत बुरा कर सकता है, गलत प्रयोग कर सकता है, मिसयूज कर सकता है, उसको बर्बाद कर सकता है, ब्लैकमेल कर सकता है। लेकिन वही बेटी का संबंध अगर पिता से होगा तो एक बार वो अगर भटक भी जाएगी ना, तो चूंकि वो अपने पिता से हर टॉपिक पे बात करती है, वो शर्माती नहीं है, उसके पिता भी नहीं शर्माते हैं, तो इसका परिणाम ये होगा कि यदि वो गलत भटक गई, वहाँ पहुँच भी गई थी, फिर भी अगर कोई पकड़ता है, पिता का नंबर मांगता है, तो उसको तनिक भी डर नहीं होगी, वो सीधा वो अपने पिता से बात करेगी और रोने लगेगी, कहेगी मैंने गलती किया यहाँ पर, और वो बच जाएगी, उसका पिता उसे बचा लेगा। इसलिए अपने पिता से और बेटी से जो रिश्ता होता है वो रहना चाहिए, डायरेक्टली रहना चाहिए, और हर टॉपिक पर पिता को बेटी से बात करनी चाहिए। आने वाली जो शिक्षा प्रणाली है हमारी, उसमें जो शिक्षा में जो सेक्स एजुकेशन है ये भी डाला जाएगा, और बहुत ज़रूरी है डालना। जब बच्चा बड़ा हो गया है तो वो सब कुछ समझ रहा है, सब कुछ जान रहा है, तो क्यों ना उसको सारी चीज़ें बहुत डिटेल में बताई जाए। जब उसको सारी चीज़ें बहुत डिटेल में बताई जाएंगी तब वो उन सब चीज़ों से बच पाएगा, अन्यथा नहीं बच पाएगा, वो भटक ही जाएगा। इसलिए आने वाले समय में जो एजुकेशन है हमारा, उसमें बदलाव होना ही है, और ये ओपन एजुकेशन होना चाहिए। तो आज का जो वीडियो है हमारा, वो इसी पर आधारित है कि जो हमने पहला एक आपको कहानी सुनाई, ये सच्ची घटना थी कि बेटी को ससुराल से वापस बुलाया गया हंसी खुशी। अब कुछ लोग कहेंगे कि बेटी की जब शादी होती है तो उसका संबंध मायके से नहीं रहना चाहिए, मतलब संबंध मतलब बाप बाप में फ़ोन नहीं करना चाहिए, इससे क्या होगा कि फिर उस घर वाले अगर उससे बात करेंगे, माँ बात करेगी, पिता बात करेंगे, उसके हौसला अफजाई करते रहेंगे, तो ये यहाँ पे क्या करेगी, किसी को सेटेगी नहीं, किसी का सुनेगी नहीं, उसको लगेगा कि हमारे पिता हैं, हमारे भाई हैं, हमारी माता हैं, तो इस आधार पे उसको कोई डर नहीं होगा। कुछ हद तक ये भी सही है, लेकिन पूरी बात इसमें सही नहीं है। जिस बेटी का साथ मायके वाले नहीं देंगे, उस बेटी का जीवन ससुराल में कैसा होता है ये पूरा समाज जानता है, कितनी उसकी दुर्गति होती है ये पूरा समाज जानता है। अब अंधे बनने की कोशिश ना करें तो अच्छा है। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, और आप क्या सुझाव देना चाहते हैं जरूर कमेंट करिएगा, मैं आपके कमेंट का स्वागत करता हूँ।